हेलो गाइस, आई थिंक आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहे हो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएसएसआर टाइपिंग टेस्ट के बारे में। ओके, तो जैसा कि आपको पता है 15-16 दिन रह गए हैं टाइपिंग टेस्ट में, तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनके क्वेश्चंस आए हुए थे कमेंट सेक्शन में और मुझे मैसेज भी आए हुए थे कि उनको बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको मैंने इस पेज पर नोट कर रखा है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो छूट जाते हैं, तो कोई भी छूटे ना उसके लिए मैंने सारे के सारे नोट कर रखे हैं और सारे के बारे में डिस्कस कर दूंगा। वैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा जैसे कि बैक स्पेस वर्क करता है या नहीं करता है, बाकी स्पेस की जो है वो कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, वो काउंट होता है या नहीं होता है, तो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने नोट कर रखा है, वो मैं बता दूंगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको जो स्पीड और एक्यूरेसी को लेकर प्रॉब्लम है, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनके अच्छे मार्क्स डिसेंट मार्क होने के बाद भी सिलेक्शन टाइपिंग की वजह से नहीं हो पाता है, तो बहुत ही खलता है क्योंकि ऑब्वियसली स्किल टेस्ट है और कोई इसमें वैसा कोई साइंस नहीं है कि यार मतलब बहुत ही कठिन है, तो वो चीज़ हो जाएगी। ओके, तो और वैसे भी वेट करना पड़ेगा 2 से 3 साल अगर आपका मतलब इस बार नहीं होता है टाइपिंग टेस्ट, तो आप टाइपिंग टेस्ट को अच्छे से देना। तो हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट में थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी को आपको कैसे इंक्रीज करना है। तो जैसे चलिए सबसे पहले हम की डिप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए की डिप्रेशन वो 1750 दिया हुआ है ना, तो 1750 वर्ड वहाँ पे होते हैं, स्पेस की को काउंट करते हुए 1750 इंग्लिश के वर्ड होते हैं, उसको आपको टाइपिंग टाइप करना होता है 10 मिनट में। तो अगर आप उसको 10 मिनट में टाइप करते हो तो आपकी जो स्पीड आएगी ना वो 35 वर्ड पर मिनट आएगी। ओके, तो यही होता है आपका की डिप्रेशन। तो 35 वर्ड पर मिनट आपको एवरेज स्पीड जो है वो आनी चाहिए, भले आप एक वर्ड को जो है आप 45 से कर ले रहे हो, दूसरे को 25 से कर लो, डजंट मैटर, आपकी स्पीड जो है फाइनली 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए, यानी कि आपको 1750 वर्ड जो दिए हुए हैं उसको आपको 10 मिनट में टाइप कर देना है। ओके, तो ये होगा की डिप्रेशन। दूसरी चीज़ है कि स्पेस काउंट होता है या नहीं, तो मैं इसको एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे राम एंड सीता लिखा हुआ है, ओके, तो राम है 3 लेटर का और सीता है 4 लेटर का, लेकिन बीच में आप एक स्पेस लगाते हो तो उसको भी उसमें ऐड किया जाता है, यानी वहाँ पे फिक्स्ड स्पेस होता है जो कि काउंट किया जाता है। ओके, तो 2 स्पेस अगर आप लगाते हो तो जो लास्ट में जैसे 2 स्पेस आपने लगा दिया तो 1 स्पेस तो आपका एक वर्ड खा गया, यानी वहाँ पे आप जो लाइन दी होती है ना वहाँ पे जो पैसेज आपको लिखना होता है वहाँ पे फिक्स्ड होता है कि इतने ही आपके आएंगे, उससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, आप लिखोगे तो वो लिखना बंद हो जाएगा। ओके, या फिर आप बीच में कोई वर्ड या लाइन छोड़ देते हो तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, अपने से भी कुछ लिख सकते हो, तो दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हैं, यानी कि अगर आप कोई छोड़ते हो तो ज़्यादा वर्ड अपने से भी लिख सकते हो, या फिर कोई लाइन ज़्यादा कर देते हो या फिर स्पेस ज़्यादा काउंट करवा देते हो, 1 की जगह 2 स्पेस कर देते हो, तो आप लास्ट के जो वर्ड दिए हुए हैं बाय डिफॉल्ट वो टाइप नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्पेस आपको 2 बार नहीं करना है, 1 ही बार करना है, और स्पेस काउंट होता है ये भी मैंने आपको बता दिया एक वर्ड की तरह। ओके, और बाकी अगर आपका आपने ज़्यादा स्पेस जो है वो लिख लिया है मतलब टाइप कर दिया है या फिर कम स्पेस टाइप किया है तो वो लास्ट में आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने कम किया होगा तो ज़्यादा वर्ड आपके आ जा रहे होंगे लिख के आप चेक कर सकते हो, या आपने अगर कम ज़्यादा स्पेस काउंट कर दिए होंगे 1 की जगह 2-3 ऐसे कर दिए होंगे तो आपके वर्ड वहाँ पे लिख नहीं पा रहे होंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। उसके बाद बैक स्पेस वर्क करता है कि नहीं, तो बैक स्पेस वर्क करता है अगर आपने कोई पैसेज गलत लिख दिया है, फिर मतलब कोई लाइन गलत लिख दिया है, फिर कोई वर्ड गलत लिख दिया है, तो वो आप जाके वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बैक स्पेस वर्क करता है। लेकिन यही है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, अगर आपकी स्पीड 60 से 70 के आसपास है, 65 है, 50 से ऊपर है, तो आप जाके सेट कर मतलब उसको सही कर सकते हो, तो ट्राई करना है कि 1 ही बार में पूरा पैसेज सही लिख दो, तो ये चीज आपको ट्राई नहीं करनी है अगर आपका स्पीड थोड़ा कम है 45 के आसपास है तो, लेकिन बैक स्पेस वर्क करता है। दूसरी चीज है कि परसेंटेज ईरर क्या होता है और कॉमा फुल स्टॉप वगैरह वर्क करता है या नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले बताते हो कॉमा वगैरह यूज वर्क करता है कि नहीं, मतलब आता है कि नहीं आता है। तो कॉमा फुल स्टॉप आता है, इतना ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है कॉमा और फुल स्टॉप ये सब जो है ये आपके इन जो उंगलियां इनसे टाइप करना होता है और साइड में बिल्कुल नीचे से साइड होता है तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता है कि आप बिल्कुल इरिटेट हो जाओ या फिर आगे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लॉस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 आते हैं, 3-4 आते हैं। ओके, तो ये चीज़ आती है। नंबर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, तो नंबर जो हैं वो आते हैं लेकिन इतने नहीं आते हैं कि जैसे कि नंबर ही नंबर दिया हुआ है। नंबर के लिए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, अगर आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छी नहीं है 45-40 है तो आप सिर्फ लेटर्स पे वर्क करो, नंबर्स पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप नंबर बाद में भी जाकर टाइप कर लोगे, आई मीन कि आप बिल्कुल इधर छोड़ते हो, हाथ अपना हटा देते हो कीबोर्ड से और वहाँ पर जाकर टाइप करके फिर से सेट होते हो, तो आपका टाइम का लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि नंबर जो है वो गिने चुने 1, 1500, 200, 100, 20 ऐसे करके 1 या 2 जगह आएंगे मैक्सिमम, नहीं तो कभी कभी नहीं भी आते हैं। मैं पैसेज जो है वो आपको अपलोड कर दूंगा वहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली, और साथ मैंने एक अपलोड कर भी रखा है वो आप चेक कर लेना, तो बिल्कुल सिंपल आता है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल आता है। और बाकी मैं पेज की बता दूं वहां पे कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट पेज टाइप का होता है, मतलब जो बैकग्राउंड होता है वहां पे वो बिल्कुल व्हाइट होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो पूछे थे कि वहां पे क्या लाइन रहती है और फॉन्ट साइज वगैरह क्या होता है, फॉन्ट का कैरेक्टर कैसा होता है, तो फॉन्ट बिल्कुल नॉर्मल जो आपकी बुक में होती है, जो स्टैंडर्ड फॉन्ट होती है वही होता है और देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है अगर आपका पावर वगैरह बहुत कम है, उसके बाद भी कोई इशू नहीं होता है वहां पे
फॉन्ट बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप कंप्यूटर पर देखते हो, मॉक वगैरह देते हो, वैसा ही होता है, एवरेज होता है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और बाकी ब्लैंक ये जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर का फॉन्ट होता है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने पूरी की वीडियो जो है एसएससी की तरफ से एक वीडियो है जो कि वहाँ पे स्क्रीन पे किस हिसाब से टाइपिंग होता है, वो यूआई कैसा होता है, वहाँ का यूज़र इंटरफेस होता है, वो वीडियो पड़ी हुई है, तो उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, तो वो लिंक है, वहाँ से आप जाके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कैसा जो है वो पैसेज आता है, कैसे टाइपिंग करना होता है, कहाँ पर लिखा होता है और कहाँ पर टाइप करना होता है, ये चीज़ होता है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है पूछते हैं कि ईयर परसेंटेज क्या होता है, तो ईयर परसेंटेज जितने भी आपने वर्ड गलत किए उसको डिवाइड कर दो आप 1750 से, अगर आप इंग्लिश में हो तो 1750 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके परसेंटेज ईयर निकल आएंगे। तो देखिए यू आर यानी कि जनरल के लिए जो है 5% जो है 5% अलाउ होता है परसेंटेज ईयर, और ओबीसी और बाकी कैटेगरी के लिए 7% अलाउ होता है, लेकिन आपको ऐसा कोशिश नहीं करना है कि आपको ईयर करना है, बिल्कुल ईयर आप मत करो, आप वहाँ पे जितने वर्ड लिखे हुए हैं उसको आपको 10 मिनट के अंदर टाइप करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सही सही। और देखिए सबसे बड़ी एक इशू आती है, हालांकि मैंने भी बताया ना कि मैंने भी एग्जाम दिया, तो सबसे बड़ा इशू होता है ना वो यहाँ पे बीच में लाइन नहीं होता है, तो आप भूल जाओगे यार ये वाली लाइन मैंने लिखी है या नहीं लिखी है, तो ये चीज़ केयर करना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि ये चीज़ केयर करना कि आप कोई लाइन छोड़ो मत, ओके, तो वो चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, आपको पहले लाइन लिखी तो याद रहना चाहिए कि मैंने कहाँ से एंड किया और वहीं से अगला स्टार्ट करना है। और मैं देख लेता हूँ कि और क्या चीज़ थी, हिंदी जो टाइपिंग होती है उसमें जो है 1500 वर्ड टाइप करने होते हैं और इंग्लिश में 1750 टाइप करने होते हैं 10 मिनट के अंदर। और फंड साइज वगैरह की मैंने बात कर ली, पैसेज वगैरह बिल्कुल सिंपल आता है। चलिए तो ये हो गया पूरा जो कन्फ्यूजन्स थे बैक स्पेस के बारे में, स्पेस के बारे में सब मैंने बता दिया है। और पैसेज जो आप ट्राई करना ना वो 7 से 8 मिनट में जो है वो आप कंप्लीट हो जाए ट्राई करना, क्योंकि 2 मिनट जो है वो आप चेक कर लेना कि वर्ड जो है वो आगे टाइप हो रहे हैं या फिर मैंने सारे टाइप कर लिए, कुछ गलती वगैरह हो तो आप एक बार चेक करके उसको सुधार सकते हो, क्योंकि बैक स्पेस जो है मैं बताया आपको वर्क करता है, तो वो चीज़ आप देख लेना। उसके बाद अब चलिए ये सारे तो क्वेश्चंस हो गए, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहीं पर डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा, ये पूरा कंपाइलेशन मैंने डाल रखा था। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करना है। तो देखिए एक नेचुरल तरीका होता है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है कि मैंने आज आपको बताया और रात को आपने वो चीज़ फार्मूला पढ़ लिया और सुबह सही हो जाएगा, ओके। आप जो भी टाइप कर रहे हो ना, जो भी गलतियां उसमें आ रही हैं, जिस भी लेटर में गलती आ रही है, उस लेटर को आप टाइपिंग मास्टर से आधे घंटे एक घंटे प्रैक्टिस करो और उंगली को ये कर दो कि अगली बार वो गलती हो ही ना, और कोई गलती चलेगी लेकिन वो गलती ना हो, इसके लिए आपको टाइपिंग मास्टर में स्पेशली उस वर्ड उस लेटर के लिए आपको टाइपिंग मास्टर को पता ही दिया होता है स्पेशली जो लेटर में आपको दिक्कत आती है उसकी बार बार प्रैक्टिस कराता है, तो उस चीज़ को आप आधे घंटे प्रैक्टिस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको टाइपिंग करनी है ना तो 10 मिनट की करो एग्जैक्टली, और उसके बाद आधे घंटे की एटलीस्ट ब्रेक दो फिर करो, एक साथ आप एक घंटे की मत करो, इससे क्या होगा उंगलियाँ बंध जाएंगी और आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल वर्स हो जाएगी और टाइपिंग स्पीड भी नहीं इंक्रीज होगी। टाइपिंग स्पीड का जो यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है कि 2 दिन में सीखे 4 दिन में सीखे, वो सब फर्जी है, जो नेचुरल तरीका वो यही है कि आप टाइपिंग करो 10 मिनट की, बिल्कुल अपने माइंड को जो है ना वो कंसंट्रेट करके टाइप करो, आराम से करो, और जो गलती आती है उसको टाइपिंग मास्टर में उस स्पेशल वर्ड को लेटर को टाइप करो और आधे घंटे उसे प्रैक्टिस करो, और गैप जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और भी वीडियोस जो है मैंने टाइपिंग की 2 वीडियो डाल रखी है, वो आप जाके देख सकते हो, बिल्कुल डिटेल मैंने हर चीज़ बता रखा है, एग्जामिनेशन हाल में क्या सीन होता है, कैसे वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन करना है, हर चीज़ के बारे में बता रखा है कि साउंड वगैरह लैपटॉप कीबोर्ड कैसा मिलता है, ये चीज़ मैंने सब बता रखा है, तो वो चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी चलता हूँ, जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।